आखिर क्यों पल में यूं दीवाना मैं हो गया। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो भूल गया। माई न्यू ब्लॉग और दोस्तों आपका स्वागत है इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पर मेरी बाइक खड़ी है, तो अभी बज रही है, टाइम हो रही है 1:00। तो आज जा रहा हूँ मैं मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, जहाँ पर मेरे माता पिताजी रहते हैं, मजदूरी करते हैं वहाँ पर। तो आज मैं जाऊँगा गाड़ी नेपानगर रख के, मैं ट्रेन से जाऊँगा, तो ट्रेन में क्या सीन बनता है वो सब देखेंगे आगे, तो बने रहेगा वीडियो में लास्ट तक। और गाइस आज बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखना। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धूप में मेरा टकला बहुत ही चमक रहा है गाइस। तो चलिए अभी चलते हैं अपनी गाड़ी को लेकर सिटी 100 को। तो मीट अप अगेन, बाइक स्टार्ट करते हैं, मीट अप अगेन। अपने आप जा रही है बंद में भी, क्योंकि उतार थी ना, इसलिए अपने आप जा रही है गाड़ी हवा में एकदम। तो यहाँ पर भाई बंदा बंदर की मजे लेते हुए, खुद भी बंदर है और बंदरों की मजे ले रहा है यहाँ पर ऊपर। देखिए स्टेशन पे बंदरों की मजा ले रहा है भाई, मजा आ रही है भाई को तो बंदर की मजे लेने में। ये देखो बंदर की मजे ले रहा, काला बहुत दिख रहा बंदर के जैसे। ये देखो बंदर की मजे ही ले रहा, ये भाग रही है इस स्टेशन पे भाई, बंदर ही बंदर है यहाँ पर। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और यहाँ पर बहुत सारे बंदर है भाई। और ये भैया देखिए पाव खिला रहे हैं बंदरों को, अच्छा काम कर रहे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं। सभी बंदरों को देखिए एक एक पाव दे रहे हैं, ब्रेड बोल सकते हो, ब्रेड दे रहे हैं एक एक बंदरों को। और यहाँ पर ऊपर बैठ के खा रहे मस्त। और ये लाल जबरदस्त ट्रेन जा रही है हमारी। तो यहाँ पर बंदर है गाइस, देख सकते हो ये वाला। गाइस अभी जा रहा हूँ मैं रैंप के ऊपर से, और भाई स्टेशन पे तो पहुँच गया दोस्तों मैं, पर यहाँ पर ट्रेन नहीं आ रही है भाई, बहुत ही बेकार हो गया आज तो। और यहाँ पर चारों तरफ बंदर बैठे हैं, तो मेरी बहुत ही फट रही है, कहीं झापड़ ना मार दे मेरे को। तो पीछे साइड भी लंबी पूछ लटका के यहाँ पर बैठे हैं गाइस, और सब यहाँ पर हग दिया इन्होंने स्टेशन पे ही, काले बोले। ये है दोस्तों हमारे नेपानगर का रेलवे स्टेशन, और ये है रैंप। मैं उधर से इसे ऐसे चढ़कर इधर से ऐसे आ गया। अब ऐसे उतरते हैं, वहाँ बैठेंगे थोड़ी देर, फिर ट्रेन देखेंगे कौन सी आती है। टाइम पे ट्रेन आ गई तो चले जाएंगे भुसावल, क्योंकि मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में जाना बहुत ही बड़ा काम है भाई, और टाइम पे आती नहीं ना ट्रेन, फिर रात हो जाती है, तो फिर अकेला डर भी बहुत लगता है भाई। तो देखते हैं अभी कौन सी ट्रेन आती है आगे, ट्रेन आएगी तो जाएंगे, नहीं तो फिर कल जाएंगे, देखते अभी क्या होता है आगे। तो अभी मैं नीचे उतर रहा हूँ रैंप से होते हुए, का ही बोले। माय गॉड यहाँ तो पुरुष महिला बाथरूम है, मैं इधर आ गया। चलिए वापस चलते हैं। अकेले जा रहा हूँ ब्लॉगिंग करते करते, और यहाँ पर बाथरूम की तरफ पहुँच गया था मैं, वापस आ गया। और यहाँ पर बंदर बहुत मौज कर रहे भाई, और मैं अकेला इधर ब्लॉगिंग करते घूम रहा हूँ, क्या करूँ। पूरी हरियाली स्टेशन पे, पूरी स्टेशन पे हरियाली है भाई, बहुत ही हरियाली है। के पेड़ में क्या रखा है देखते हैं हम लोग, ये क्या है भाई ऐसा, वो जो समुद्र में रहती ना स्टारफिश, इस तरह की दिख रही है। ओ माय गॉड मेरे को तो जानवर लग रहा है, कुछ तो है भाई यहाँ पर। चलिए हाथ नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि पता नहीं कुछ जानवर है टाइप, कब पकड़ लिया ना हाथ तो वहीं झंझोड़ देगा। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर स्टेशन पर देखिए पानी गिर रहा है भाई, और इधर बारिश के दिन में ये स्टेशन वाले साले पानी चालू कर देते हैं, और गर्मी के दिन में तो इनका पता ही नहीं रहता है। अच्छा है पानी, साइड पेंटिंग चल रही है। पर आगे से ट्रेन आ रही है, पर पीछे से नहीं आ रही है, ये रही ट्रेन जा रही है। गाइस परेशान हो गया आज तो मैं, ट्रेन चली गई और एक तो यहाँ पे टकले पे बहुत ही ठंडी हवा दे के चली गई, का ही बोले। ओह माय गॉड केले के छिलके पड़े यहाँ पर, अक्के रहते ना तो उठा के ही खा लेता, क्या ही बोले, किस्मत में नहीं है। गाइस देख सकते हो मैं यहाँ पर नेपानगर, पीछे देख सकते हो
नेपानगर रेलवे स्टेशन पे खड़ा था और कब से ट्रेन का इंतज़ार कर रहा भाई, ट्रेन तो आ ही नहीं रही। आज मुझे भुसावल जाना था, मम्मी पापा बुला रहे थे, पर ट्रेन पता नहीं किस कारण लेट हो गई। अब तो सुबह ही जा पाऊँगा तो कल का व्लॉग भी आएगा एकदम मज़ेदार। गाइस यहाँ पे कुछ अलग लग रहा है मेरे को, नेपानगर में स्पेलिंग गलत लग रही है, पता नहीं किसने लिखा है, हरामी ने। एन के बाद ए आना चाहिए क्योंकि ने पढ़ेंगे ना अपन नेपानगर, तो यहाँ पर ई लगा दिया, पता नहीं किसने लिखा, या मैं गलत हूँ या लिखने वाला गलत है। चलिए अभी पता करेंगे थोड़ी देर बाद। नीचे उतर जाऊँगा मैं यहाँ से, ऐसी जगह है देख सकते हो आप। ऐसी है हमारे नेपानगर का पुलिया, यहाँ पर पाइप लगे बहुत सारे और यहाँ से गाड़ियाँ ऐसे छक्का छक निकलती हैं, यहाँ से निकलती हैं गाड़ियाँ। पटरी पटरी पे घूम रहा हूँ अभी मैं, भीख मंगे जैसा, का ही बोले, तो अभी जल्दी चलते हैं नहीं तो पानी का मौसम भी बन रहा है, तो भाई आज तो पूरे गीले भी हो सकते हैं। दोस्तों देखिए ये पटरी ऐसी कैसे है भाई, दो यहाँ से दो हो जा रही, बीच में से चौड़ी कर डाली पटरी को, पता नहीं कैसे कैसे कलाकार है भाई, यहाँ से एकदम चौड़ी कर डाली, ऐसे चिपकी नहीं है, चौड़ी है, कलाकारों का काम है और क्या। फिर से फटाफट नीचे उतर गया हूँ मैं और अभी किसी को रोकेंगे, किसी से लिफ्ट लेंगे और चलेंगे बाइक पे क्योंकि पानी आने वाला है। आ चुका हूँ और कोई गाड़ी आ नहीं रही भाई, कौन लिफ्ट देगा। ये देसी लौंडे जा रहे हैं, देसी लौंडे। देखिए रास्ते में ऐसी ऐसी भैंसियाँ मिल रही है मुझे। गाइस नेपानगर चौराहे पे पहुंच गया और ये है चौराहा और ये है हमारी बैंक देख सकते हो और ये हमारा एटीएम भी है यहाँ पर और ये बड़ा सा झाड़ है यहाँ पर चौराहे में और ये है हमारे भीमराव बाबा अंबेडकर जो कि नेपानगर का है ये चौराहा। नई दुकान है रास्ते से, तो चलिए अभी चलते हैं रूम तरफ। तो दोस्तों ये है देख सकते हो आप जय हिंद स्वीट्स और ये ट्रैफिक जाम है यहाँ पर, बड़ी बड़ी होटलें जो कि नेपानगर में रास्ते पे ही, यहाँ पर छगनलाल भुरलाल ज्वेलर्स और यहाँ पर देखिए रिगल फोटोग्राफी है जो कि नेपानगर में फेमस है। तो चलिए अभी चलते हैं आगे। नेपानगर में घूमने में आज तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। और ब्रदर दुकान कैसे चल रही। और ये है यहाँ पर जय अम्बे होटल जो कि बहुत ही फेमस है नेपानगर में, टीन की है जो कि बहुत ही ज़्यादा चलती है, सब होटलों में सबसे ज़्यादा चलती है ये वाली होटल। दोस्तों सोन पोपड़ी ले लिए खाने के लिए, एक दे दो और एक चिक्की दे दो। तो ये भाई बहुत ही मस्त लगती सोन पोपड़ी। तो नेपानगर में बहुत ही बड़ी कपड़े की दुकान है तो वो आपको मैं अभी बताऊंगा। यहाँ पर देख सकते हो इधर बिल्डिंग है, चलिए इसको आगे से देखेंगे। ये अमृत वर्षा दुकान देख सकते हो, यहाँ पर बाहर लेडीज एंड जेंटल खड़ी है, रूप वर्षा नाम हो गया है अब इसका, अमृत वर्षा जो कि सबसे बड़ी है नेपानगर में। फाइनली अमृत वर्षा से आगे आ चुका हूँ और अभी रेलवे पटरी पार करेंगे और ये है शीतला माता मंदिर जो कि माता जी को प्रणाम करते हैं दोस्तों, शीतला माता मंदिर। और अभी रेलवे पटरी क्रॉस करेंगे, ट्रेन ना आ जाए भाई। यहाँ पर है पटरी देख सकते हो आप, तो गेट खुला हुआ है, तो चलिए अभी पार हो जाते हैं पटरी। गाय बहुत ही मेहनत कर रही है तो हम खींच कर खिला देते हैं। ल माय गॉड हाथ से छूट जा रही है डंगाल, ओ माय गॉड मेरा हाथ खा जाती, लो लो अभी खिला देते हैं यहाँ पर, खा ले आराम से फिर या मैं भी चलता हूँ। ओके गाइस और ट्रक के ऊपर और दो जेसीबी रखी हुई है हमारी नेपा फैक्ट्री के सामने, हमारी नेपा लिमिटेड पेपर मिल पेपर फैक्ट्री, यहाँ पर देख सकते हो नाम लिखा है नेपा लिमिटेड जो कि बहुत ही फेमस है मध्य प्रदेश में। ये दो पहाड़ जो कि नेपानगर बुधवारा में है और यहाँ पे आ चुका हूँ मैं, तो अभी बुधवारा आ जाएगा इस साइड, मेरा रूम भी दिखाऊंगा आज आपको मैं। तो फाइनली दोस्तों मेरे रूम पे पहुँच चुका हूँ और आम खा रहा हूँ चूस चूस के यहाँ पर। और ये है बुधवारा और ये है मंदिर विट्ठल मंदिर, पनपुत्र हनुमान जी का मंदिर, और ये है शिव भगवान, यहाँ पर बहुत ही महिलाएँ पूजा करने के लिए आती हैं, यहाँ पर शिव भगवान का मंदिर है। और अभी मैं माता मंदिर पे खड़ा हूँ यहाँ पर। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इसी तरह के धमाकेदार वीडियो में मिलते रहेंगे। बाय बाय।